हेलो गाइस, आज का ये वीडियो मैं आपको स्क्वायर बताने वाली हूँ और ये स्क्वायर का आपका फोर्थ पार्ट होने वाला है। अगर आप स्क्वायर के बाकी के थ्री पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इजीली आप इस वाली वीडियो से भी स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 10, 100, 1000 इंच के आसपास के जो नंबर्स होते हैं, यदि हमें उनका स्क्वायर निकालना है तो आप इस वाली मेथड से उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको यदि 7 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए, हम इसमें बेस मानेंगे। जैसे आपने इसमें बेस लिया, आपको किसका स्क्वायर निकालना है, 7 स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं इसमें बेस लूंगी, मैंने क्या बताया था आपको, बेस या आप 10, 100, 1000 इनके आसपास के आप स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो 7 जो है वो आपका 10 के पास में है, इसीलिए इसमें आप बेस क्या मानेंगे, इसमें 10। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपने इसमें बेस क्या लिया है, 10। 10 से ये कितना कम है, 7। 10 से जो है वो कितना है आपका, 7 जो है वो 10 से 3 कम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपका, 7 है। तो हमारा जो रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, 7 में से 3 को आपको माइनस करना है, ये जो आपने लिया है 3 उसको माइनस करना है और उसी माइनस 3 का आपको स्क्वायर करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 और 3 3 9। ये आप इजीली इसके निकाल सके। अब जैसे आपको बोला जाए 97 स्क्वायर, अब 97 ये इसमें आप बेस क्या लेंगे, इसमें आपका बेस रहेगा 100। 100 से ये कितना कम है, 3। देन ये क्या आएगा आपका, 97। तो आपको क्या करना है, 97 में से 3 माइनस करना है, प्लस ये क्या करेंगे आप उसके बाद, उसमें माइनस 3 का स्क्वायर। 97 में से जब आपने 3 माइनस किया तो वो आया 94 और 3 का स्क्वायर होता है 9। बट इसमें हम, इसमें तो आपने 9 ही लिया था, बट इसमें आप क्या लेंगे, 09। क्यों 09 लिया, क्योंकि आपका ये कितने डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 जो है वो 1 डिजिट नंबर हो रहा था, इसीलिए उसको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके आगे एक 9, एक 0 को एड किया है। अब देखिए, यदि आपको 9, 8, 9 इसका स्क्वायर फाइंड करना है, ये भी आपका 100 के आसपास ही जा रहा है, तो इसमें भी आपका बेस क्या हो जाएगा, 100। इसमें भी आपका बेस क्या जाएगा, 100। अब 100 माइनस 100 में से आप कितने माइनस करेंगे, 11। 100 में से हमने 11 को माइनस करेंगे तभी आएगा 989। तब हम क्या करेंगे, 989 में से 11 को माइनस करेंगे और 11 का ही स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 989 में से आपने जब 11 माइनस किए, आप कीजिए, तो ये आएगा 978 और इसके बाद आपने 11 का स्क्वायर किया तो वो आया 121। अब ये कितने डिजिट नंबर है, 123, और ये भी कितने डिजिट नंबर है, 123। इसीलिए इसमें ना आपको 0 ऐड भी नहीं करना है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 978121। आई होप आपको ये इस वीडियो से स्क्वायर फाइंड करना इजीली समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।